For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. हर वर्ष की सभ्यता जितनी पुरानी है उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है हमारे समाज में नारी का सम्मान। नारी को देवी का दर्जा दिया गया है क्योंकि औरत के बिना संसार की रचना और पुरुष का जन्म असंभव है। नारी ही जगत की जननी है, नारी ही माँ, बहन, पत्नी और बेटी है। लेकिन बावजूद इसके हमारे समाज में नारियों को अभिशाप सहना पड़ता है, वो है बलात्कार। देश में हर तरफ आए दिन ये घृणित घटना घटती है। कहीं औरत को दहेज के लिए जिंदा जलाया जाता है तो कहीं बदनाम किया जाता है। हमारे समाज में चंद ऐसे वहशी दरिंदे हैं जो औरत की अस्मत तो लूटते हैं लेकिन उसके साथ साथ पुलिस, कानून और अदालत को भी ठेंगा दिखाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। औरत जब अपने साथ हुए जुल्म की फरियाद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो ऐसे लोग भरी अदालत में कटघरे में खड़ी औरत की इज्जत उतारने से बाज नहीं आते और ऐसे में विश्वास उठ जाता है औरत का पुरुष से, समाज से। कब रुकेगा ये सिलसिला? क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आज औरत ही नहीं कानून और अदालत भी ये आवाज लगा रही है, मेरी इज्जत बचाओ। हमारे समाज की भी ये आवाज है, मेरी इज्जत बचाओ। राजा में प्यार हो जाता है, दोनों की शादी काफी दिनों बाद हो जाती है, पर मक्खी रानी मां नहीं बन सकती। बताओ क्यों? मुझे तेरे जोक्स बिल्कुल समझ नहीं आते, तो ये बता क्या बात है? क्योंकि मक्खी रानी ओडोमोस लगा के सोती थी। हाँ दीदी, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। खैर, मम्मी हमें नहीं खाना, दीदी को हमेशा डांटती रहती है, मारती रहती है। तो मम्मी के पास क्या चुप रही है? चल सामने आ, बताती हूँ तुझे। क्या बात है दुर्गा, क्यों आपस में झगड़ती रहती हो? देखो ना मम्मी, ये मेरी मच्छर से शादी कराना चाहती है। मच्छर से शादी? बचपना है नहीं तेरा? ये क्या बचपना है, जब ही देखो तुम हंसी मजाक करती रहती हो। मालूम है ना तुम्हारा फाइनल ईयर है। पापा आप चिंता मत करो, मैं इस साल फर्स्ट आऊंगी। ऐसा बोलने से कोई फर्स्ट क्लास नहीं आता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पापा यही तो मैं कहती हूँ, पर मेरी सुनती कब है ये? यही तो मैं कहती हूँ, मेरी सुनती क्या? देखा पापा, इसने मुझे फिर चिढ़ाया, इसलिए मैं इसे नहीं बोलती हूँ। शीला चलो तुम लोग अंदर जाओ, पढ़ाई करो, चलो जाओ। ठीक है पापा। एक मिनट, मैं तुझे एक जोक सुनाऊं। पता है क्या होता है, एक चींटी और एक हाथ में प्यार होता है, हाँ? और चींटी फोन करके बोलती है हेलो, ये बोलता है हेलो, आई मिस यू, आई वांट टू मीट यू। हाथी सोचता है पता नहीं क्या बहुत गड़बड़ हो गई है, चल मिलते हैं। अब चींटी क्या करती है सुन, जींस टी शर्ट चश्मा वश्मा लगा के आती है, ला 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 ला। हाथी दूर से दिखता हैरान। अब चल बता, जब चींटी हाथी के करीब आती है ना, चींटी ना उसके कान में कुछ ऐसी बात बोलती है कि हाथी सुनकर बेहोश हो जाता है। बता सोच। मुझे समझ में नहीं आया, आप ही बोलो ना।
पता ना, चल एक बार और सही। दीदी आप ही बताओ ना। बताओ। हाँ। सच्ची कच्ची? पता है चींटी ने क्या कहा? हाँ? अरे मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम दोनों की बात कर रही हो काफी देर से। चलो चलो अंदर पढ़ाई करो जाके। आपने भी बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अरे थोड़ा लाड़ करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपस में लड़ती है तो मैं क्या करूँ? अभी लाड़ प्यार दिखता है, कल को नाक कट गई ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हम ख्याल रखेंगे। हम ख्याल रखेंगे? क्या ख्याल रखेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होगा तो क्या कर लोगे तुम? बहुत अकेली है, मौका कमाल का है। लवली। ओह माय गॉड, पैसे नहीं है, अब क्या होगा? क्या हुआ बेंजी? अब मैं पैसे लाना भूल गई। आप कहे तो मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूं? जी नहीं, मैं घर जाकर अपनी माँ से पैसे ले लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप कहे तो मैं सामने वाले गेस्ट हाउस में रहता हूँ, आप कहे तो मैं पैसे लाकर आपको दे दूँ? जी नहीं, मैं अपनी माँ से जाकर पैसे ले लूंगी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? 4:30 हो गए, आज तो फ्राइडे है, मम्मी तो मंदिर से लौटी भी नहीं होंगी। और सुधा आंटी, वो तो इतनी कंजूस है, जब मांगो उसके घर में पैसे ही नहीं होते। किससे मांगू? वैसे ये बंदा बुरा तो नहीं लगता, और मुझे बहन जी कह रहा है, उधार लेने में क्या हर्ज है? भाई साहब। हाँ बहन जी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे पैसे उधार ले लेती हूँ, कल आके आपको पैसे लौटा दूंगी। यही तो मैं कह रहा था बहन जी। आज फ्राइडे है, मम्मी मंदिर गई होंगी। हाँ। एक्चुअली वो देर से आएंगी। हाँ। इसलिए मैंने सोचा आपसे पैसे ले लूं। कोई बात नहीं, आइए ना, आइए ना आप। हाय शीला, आज जोक्स की बुक मिली है ना, तू सुनेगी ना तो हंस के पागल हो जाएगी। क्या बात है, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं? बस दीदी हल्का सा चक्कर आ रहा है। चक्कर? कोई और चक्कर तो नहीं? प्लीज दीदी मुझसे मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तू मजाक के मूड में नहीं है? इससे बड़ा मजाक तो कोई और हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लगता है पापा की बातों का तो फिर असर हो गया है, अब तो जरूर फर्स्ट आएगी। हा? और तुम मुझसे नफरत करोगी। अरे तू फर्स्ट आएगी तो क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? मैं भी एक ऐसी खबर के पीछे पड़ी हूँ ना, वो सुराग मिल गया तो लोग मेरे इंटरव्यू के लिए दौड़ेंगे, समझी? ऐसी कौन सी खबर है, मुझे भी तो बताओ ना दीदी। तू अभी ना समझे, तू अभी बच्ची है। अच्छा रहने दो, मत बताओ। अरे मेरी जान, तुझसे क्या छुपाना, मैं एक ऐसे ग्रोह का भांडा फोड़ने वाली हूँ जो लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी नंगी तस्वीरें खींचते हैं, उनकी ब्लू फिल्में बनाते हैं और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं उनका भांडा फोड़ के रहूंगी। कुछ अच्छी खबर छापो ना दीदी। अरे तू नहीं जानती रे, इस आग में न जाने कितनी लड़कियां जल रही हैं। हर रोज कोई ना कोई लड़की इस जुल्म का शिकार होती है, न जाने उनका अब अगला निशाना कौन है। अगला निशाना? अरे सच कहती हूँ निशा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, समझ में नहीं आता पेपर में क्या लिखूं। हाँ यार, मैंने भी सोचा था भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे तुम दोनों ने तो खूब पढ़ाई की है, जरा आइडिया दो ना क्या क्वेश्चन आने वाला है। अरे सुनो। हाँ? आज जो पेपर आने वाले हैं ना, मुझे पूरी खबर है। सच? सच, तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूं। बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। चीखो मत, चीखो मत, मेरी बात सुनो, ये पेपर है और अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम ये लो और कोने में जाओ और कॉपी कर लो। फैंटास्टिक निशा, तुमने तो कमाल कर दिया। जैसा तुमने वादा किया था वो पूरा करो, मेरे नेगेटिव से मुझे वापस दे दो। कर दूंगा जाने मन, कर दूंगा, अगर मेरा काम हो जाए, ये लड़कियां मेरे कमरे तक पहुंच जाए, नेगेटिव वापस कर दूंगा। चलता हूँ। अरे यार आज तो कमाल हो गया, निशा के दिए हुए पेपर तो 100% मैच कर गए।
आज 70% क्या 90% मार्क्स मिलेंगे। आज का तो हो गया लेकिन कल क्या करेंगे, कल तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है और वो है मैथ्स, उसमें तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ। अरे हीरो लोगों के साथ मस्ती मारोगी तो जीरो ही रहोगी। मजाक छोड़ यार, निशा को ढूंढ, शायद कल का भी कुछ चक्कर चल जाए। सच कह रही है यार। हाय, तुम्हारे दिए हुए पेपर ने तो कमाल कर दिया, कहाँ से लाई तुम? कहीं प्रिंसिपल के साथ चक्कर तो नहीं है? नहीं यार, मेरे कजन ने चक्कर चलाया था। तो बताना कहाँ से लाई। यार कल का भी कुछ चक्कर चला दे, बड़ा मजा आ जाएगा। अरे तू कह दे तो तेरे भाई को कुछ पैसे वैसे दे दे। बकवास बंद करो। फिर उसके लिए तुम्हें मेरे कजन के पास चलना पड़ेगा। कहाँ? उसके घर पर। ओके okay, चलो चलते हैं। हेलो, थैंक यू। आप भी लीजिए। थैंक यू। लीजिए। थैंक यू। आप लीजिए। थैंक्स। और नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी की जाएगी। राजू वन मैन शो। अरे राजू भाई, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे भी। क्या हुआ? अरे लगता है आप लोग थक गई होगी, आप आराम कर लें। राजू मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मेरे नेगेटिव्स वापस कर दो। नहीं, ये रहे तुम्हारे नेगेटिव्स। धंधा मंदा है, फिर वरना नहीं। सारा देश यही कह रहा धंधा मंदा है। साले करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करते हो तुम। साले तुम सब धंधा ढंग का नहीं करते, नेता भी कोई ढंग का नहीं चुनते हो। अब तुम नहीं मरोगे तो क्या तुम्हारा बाप? इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात सुनेंगे या सारे देश की समस्या हमें सुनाएंगे? चलिए हम चुप हो जाते हैं, आप सुनाइए। पर उससे पहले मैं आपकी तारीफ सुनना चाहूंगा। जी मैं प्रति पेपर की प्रेस रिपोर्टर हूँ। इनके केस के सिलसिले में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या हुआ है? मतलब इनकी लड़कियों के साथ नाइंसाफी हुई, उनकी इज्जत से खेला गया, इनकी बच्चों की नंगी तस्वीरें खींची गई हैं। आपने क्या किया? एक मिनट मैडम, एक मिनट। आपने बच्चों के बारे में कहा और ये लड़कियों के बारे में कंप्लेंट करने आए थे, क्यों मिस्टर? क्या नाम बताया आपने अपनी लड़की का? पूजा। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया और उसकी तस्वीरें उतारी गई। नहीं, क्या गुंडे उसे कॉलेज से उठा कर ले गए थे? क्यों मिस्टर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये अदालत नहीं है जो आप इनसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आपका काम सिर्फ रिपोर्ट लिखना है। शट अप। आप हमें हमारा काम सिखाएंगी? यहाँ कोई भी आए, कोई भी कहानी सुना और मैं डायरी में लिख दूं? क्यों, तुमने बताई? नमस्कार, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं अपनी जनता जनार्दन की सेवा में ही लगा रहता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारी जनता को कोनो कष्ट ना हो। लेकिन मंत्री जी, हम पुलिस स्टेशन गए थे रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, हमें बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया। अब आप ही बताइए हम क्या करें, किसके पास जाएं, किससे फरियाद? अभी इंस्पेक्टर वहाँ को बुलाता हूँ, सारा मामला रफा दफा कर देता हूँ। जी ही हिच बात हम करत हो कि हम मुजरिम को कांजी हाउस के सलाखों के पीछे डाल दूंगा। हाँ लल्लू, इंस्पेक्टर वहाँ को बुलाओ। जी सब। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर फोटोग्राफी। लुकिंग गुड। ओके, लवली लवली, वेरी गुड। जस्ट मूव। हेलो बेबी, जस्ट मूव, मूव लाइक अ वेव, मूव, मूव। आई सेड मूव, आई सेड मूव मूव मूव। समझ नहीं आती मेरी बात, क्या क्या करूं यहाँ पर मैं? राजू इसे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं वह करूंगी। चुप कर, चुप, तेरी मैं बहुत हिम्मत आ चुका हूँ।
अब तेरी नहीं, इसकी जरूरत है मुझे। राजू, बर्दाश्त की भी हद होती है। बहुत पाप कर लिए मैंने, बहुत सहन कर चुकी। अब इससे बड़ा पाप क्या होगा कि अपनी छोटी बहन को मैं तेरे पास लेके आई हूँ। अरे तू फूल से बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। अरे जाने मन, इस बाजार में कली या फूल सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। अंडरस्टैंड? सुनुक तो तेरा होगा, तू खुद देखना। तेरे पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि उसमें कंकर मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह रिपोर्टिंग सर। आओ विक्रम, आओ सिट डाउन। थैंक यू सर। विक्रम, शहर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने इस बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए कुछ फेरबदल किए हैं। राइट सर। उसी के तहत तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ किया गया है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि कानून के दायरे में रहकर तुम हालात को सुधारोगे और उन गिरोहों का पर्दाफाश करोगे जो शहर में गंदगी फैला रहे हैं, शहर को बर्बाद करने पर तुले हैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं इस मामले के बारे में थोड़ा खुलकर जाना चाहूंगा ताकि मुझे किसी बात का संकोच या परेशानी ना हो। यू आर राइट। देखो विक्रम, ऐसा है, अब तक किसी लड़की ने पुलिस में आकर रिपोर्ट नहीं लिखवाई, लेकिन शहर के अखबार वालों और हमारे विश्वास सूत्रों को पूरी तरह खबर है, वो पूरी तरह से जानते हैं। अभी हाल ही में कल शहर की कुछ लड़कियां गायब हुई हैं और दूसरे दिन वापस आ गईं और उन्होंने कहा कि हम पिकनिक पर गई। लेकिन सर, जब लड़कियां पिकनिक पर गई थी तो जाहिर है कि इस बात की जानकारी उनके परिवार के लोगों को तो होगी। डेफिनेटली, लेकिन इसके बावजूद उनमें से एक परिवार रिपोर्ट करने आया था लेकिन दूसरे ही दिन अपनी बात से मुकर गया। एक मिनट सर। सर, आपको ये नहीं लगता है कि उन पर किसी तरह का दबाव है? मेरे कहने का मतलब है, किसी ने उनको डराया या धमकाया होगा। हो सकता है, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, हमें सच्चाई की तह तक जाना होगा और ये काम इतना आसान नहीं। विक्रम, मैं समझता हूँ तुम अपने साथ कुछ विश्वसनीय अफसर रख लो। राइट सर। साथ ही तुम्हें जनता का विश्वास भी जीतना होगा। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन फिर भी तुम्हें हालात सुधारने हैं, दैट्स ऑल। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जांच पड़ताल में किसी तरह की चूक ना हो और जो मुजरिम है उन्हें सलाखों के पीछे ला सकूं। गुड, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी विक्रम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके। सुना है रातों रात आपको यहाँ बुलाया गया? जी। ऐसी क्या खास बात है आप में जो डिपार्टमेंट ने आपको जिम्मेदारी सौंपी? ये तो आप डिपार्टमेंट से ही पूछिए। क्या आपको लगता है आप उस गिरोह तक पहुंच सकेंगे जिन्होंने शहर में गंदगी फैलाई है? अवश्य। कानून से आंख मिचौली खेला जा सकता है, बचा नहीं जा सकता, बहुत जल्द उनका सफाया हो जाएगा। आप इन गिरोह तक कैसे पहुंचेंगे? आपके जरिए। अच्छा, मेरा मतलब है इस काम में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। इंस्पेक्टर, पुलिस पत्रकार का साथ चाहती है। जब पत्रकार पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाना चाहती है तो पुलिस उसके साथ बदतमीजी करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम। अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस मामले की जांच करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके। आप भी उन पुलिस वालों के तहत तो नहीं जो शपथ खाने के वक्त कहते तो कुछ और हैं, टीवी और पत्रकार को देखकर ईमानदारी का ढोंग रचाते हैं और मौका मिलते ही मुजरिमों से हाथ मिलाते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ऐसा नहीं हूँ। इसका मतलब ये आप अपने आप को सच्चा और ईमानदार मानते हैं? बेशक। कहीं ऐसा तो नहीं नोटों की अटैचियां देखकर आपकी ईमानदारी खत्म हो जाए? आपकी ईमानदारी का कोई सबूत? दोस्तों, मैंने इनसे बिना वर्दी के वादा किया था कि मैं हमेशा इनका साथ निभाऊंगा और आज इस वर्दी में मैंने इस बात का सबूत दे दिया।
मुझको सनम तू मिल गया, तू जो मिला दिल खिल गया। मुझको सनम तू मिल गया, तू जो मिला दिल खिल गया। मन के बाहर आया हूँ मैं तेरा प्यार लाया, जाने मन जाने जा। मुझको सनम तू मिल गया, तू जो मिला दिल खिल गया। मुझको सनम तू मिल गया, तू जो मिला दिल खिल गया। ये क्या शोर मचा रखा है बाहर? कोई बुढ़िया है साहब, आधे घंटे से खाली पिली का मग्गे चाट रही है। शट अप! ड्यूटी पर रहते समय ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोगों को जब मुसीबत होती है तभी वो पुलिस के पास आते हैं, समझे तुम? किसी को शौक नहीं होता यहाँ पे आने का। तुम जैसे लोग जब ऐसा व्यवहार करते हैं उसका नतीजा सारे डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ता है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चल बोलो उसको। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते, बोलिए। साहब, इस शहर में मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है, वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती है। मुझे अकेला देखकर
तलवेजा के गुंडों ने मेरी मकान और जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो कहता है तो अपनी बेटी और दामाद के पास चली जा वरना हम तुझे जान से मार डालेंगे। मुझे बचाइए। आपकी रक्षा की जाएगी, आपके साथ इंसाफ होगा। अब आप शांत रहिए। ये तलवेजा कौन है? इस शहर का नामी बिल्डर है साहब। तुम कैसे जानते हो? सारा शहर जानता है साहब। इस इलाके में पूरे शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बहुत पैसे वाला साहब। आपसे पहले जो साहब थे ना उसको तो अपनी बिल्डिंग में एक फ्लैट भी दिया था। फ्लैट दिया था? जी। बहुत बड़ा बिल्डर है ना? जी साहब। ठीक है तुम जाओ। जी सर। माता जी आप बेफिक्र होकर घर को जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी जमीन और जायदाद आपको जरूर वापस मिलेगी, मैं आपको दिलवाऊंगा। भगवान तेरा भला करे बेटा, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। चुक चुक जियो। राम सिंह। जी साहब। तलरेजा को फोन लगाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? तलरेजा को फोन लगाओ। फोन उठा बेबी। हेलो। हाँ जी, मैं तलरेजा बोल रहा हूँ। मैं हवलदार राम सिंह बोल रहा हूँ। आपको इंस्पेक्टर साहब ने पुलिस चौकी में अभी फौरन बुलाया है। हवलदार, लगता है तेरे पेजे में भूसा भरा हुआ है। तुम ये जानते हो अच्छी तरह से कि संतरी से लेकर मंत्री तक लोग तलरेजा से मिलने आते हैं और तुम ये चाहते हो कि मैं पुलिस स्टेशन आऊं? साहब का ऑर्डर है साहब, आपको आना ही पड़ेगा। लगता है तुम्हारे नए नए इंस्पेक्टर को तलरेजा की ताकत का पता नहीं है। उस कमीने को फोन दो, मैं बात करूंगा उससे। साहब का ऑर्डर है, मैं क्या कर सकता हूं? तलरेजा। सुनो, जो भी नया इंस्पेक्टर यहां तबादला करवा के आता है वो पुलिस स्टेशन बाद में जाता है, पहले तलरेजा के दरबार में सलाम कर। कानून और पुलिस की वर्दी को इतना कमजोर और बेबस मत समझ तलरेजा कि तेरी जुर्म की दुनिया तक पहुंच ना पाए। हम तो सिर्फ एक मौका देते हैं तुम जैसे लोगों को सुधरने का। और याद रख, जिस दिन हम कानून वालों को तुम लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं लगी तो समझो तुम्हारा खेल खत्म। अरे सुन, कानून के बड़े बड़े रखवाले तलरेजा के सामने घुटने टेकते हैं तो तू क्या चीज है? रास्ते में चलने वाले हर सिक्के खोटे नहीं होते तलरेजा। छोटे सिक्कों के धंधे करने वालों को भी कभी कभी असली सिक्के मिल जाते हैं तलरेजा, है ना? इसी तरह इस जुर्म की दुनिया में कानून का एक ईमानदार ऑफिसर ऐसा पैदा हो जाता है जिसकी ईमानदारी तुम जैसे लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। और हाँ, दूसरी एक बात, उस बूढ़ी औरत की जमीन पर जो तूने कब्जा कर रखा है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दे तलरेजा। उसी में तेरी भलाई है, वरना क्या करेगा तू? इस बात का जवाब तुझे 24 घंटे के बाद ही पता चलेगा, समझे कमीने? सिर्फ 24 घंटे। कौन था डालिंग? एक जो तलरेजा को धमकी देता है, तलरेजा को, वो मुझे जानता नहीं है। मैं उसे ले जाकर ऐसी जगह मारूंगा कि उसकी रूह भी तड़प के कांप उठेगी। कूल डालिंग, कूल। एक अकलमंद आदमी शतरंज के खेल में एक मोहरा पीछे रखकर पीछे हटाकर घोड़े को आगे बढ़ाते हैं। गुड, वेरी गुड। छोड़ दो मुझे दीदी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। बताएगी बात क्या है? हाँ, मैं जीना नहीं चाहती, बस मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। पागल हो गई, क्या करना चाहती है बता? ऐसा क्या कर दिया, क्यों मरना चाहती है? मुझे बता मेरी बहन, क्या बात है? दीदी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन मुझे बचा लो, मुझे बहन बनाकर
मेरा बलात्कार किया और मेरी नंगी तस्वीरें खींची, मुझे ब्लैकमेल किया। दीदी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। दीदी मुझे माफ कर दो, कर दो मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन पापियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। इतने दिनों तक तुम पर जुल्म होते रहे और तुम चुपचाप सहती रही, कमाल है। शीला तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा तबादला यहाँ उस गिरोह को पकड़ने के लिए ही किया गया है। शीला कम से कम अपनी बहन को तो बताना चाहिए था, तुम जानती हो ये पत्रकार है। इन्हीं वजहों से शीला उन बदमाशों का हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिन लड़कियों के घर वालों को पता चलता है वो बदनामी के डर से खामोश रहते हैं और लड़कियां अपने आप को खत्म कर लेती हैं, और दोष सारा कानून पर जाता है, सारा पुलिस पर जाता है, क्योंकि वो खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। What the hell I can do? रो मत, जो हुआ उसे हम भुला नहीं सकते, लेकिन शीला मैं अपराधी तुम्हें भी मानता हूं, हालांकि सबसे बड़ी अपराधी तो ये, अगर आज के बजाय उस दिन तुम यहां पे आई होती तो मैं तुरंत ही तुम्हारा मेडिकल करवाकर उन कमीनों को सलाखों के पीछे ढकेल देता, लेकिन नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ तुम लोगों ने मुझसे छुपाया। और शीला ऐसा करके ना सिर्फ तुमने अपने आप से नाइंसाफी की है, लेकिन कानून के हाथ भी बांध दिए हैं। I'm sorry, निशा, मैं कुछ नहीं कर सकता, I'm totally helpless. मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इंसाफ मिले। I'll try my level best. उन कमीनों को सजा जरूर मिलेगी, मैं वादा करता हूं शीला कि तुम्हें इंसाफ और उन कमीनों को सजा मैं दिलवाऊंगा। I promise. हाँ, चलो, ए, तल रजा, बहुत हो गई बातचीत, चलो भाई फोन रखो, इसको मैं जेल ले जा रहा हूँ। अरे चलो सीधे, हाँ। मैं क्या बोलो, अरे चल, चलता कि नहीं, चल। ए, राजू बच्चे आ गई तेरी शामत, चल। ए, चला चला, रुके। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलोर, इस केस की पैरवी शुरू करने से पहले मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलोर। मिलोर, जिस केस की पैरवी करने के लिए मैं इस इंसाफ के मंदिर में खड़ा हूं, वो केस कोई नया केस नहीं है। इस तरह के हजारों केस सैकड़ों अदालत में चले, फैसले हुए, और आज भी हिंदुस्तान के हर शहर की हर अदालत में इस तरह के सैकड़ों केस चल रहे हैं। और मिलोर, मेरे ख्याल से ये केस नहीं, एक समस्या है, एक प्रश्न है। कौन है हमारी समाज के लिए सबूत हमारी मानसिक नपुंसकता का, और वो है बलात्कार, यानी कि रेप। मिलोर, ये देखिए, ये भोली भाली मासूम लड़की, इसके साथ भी यही हुआ। पहले तो इसकी मासूमियत के साथ खेला गया, और बाद में बदनामी की धमकी दे दे के इसके साथ बलात्कार होता रहा। और मिलोर, बलात्कार करने वाले वैश्य दरिंदे इसी अदालत में मौजूद हैं। मैं सच कह रहा हूं ना? हाँ, देखिए, और आप चाहते हैं कि उनको सजा मिले? यस मिलोर, मिलोर, यह केस आईने की तरह एकदम साफ है। अगर इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो मैं चाहता हूं कि बलात्कारियों को सजा मिले। थैंक यू मिलोर, थैंक यू। मिस शीला, आप अदालत के सामने कुछ कहना चाहती हैं? मिलोर, जिस तरह से हमारे काबिल दोस्त वकील मिस्टर खन्ना ने इस केस को साफ किया है, मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। ऐसे भ्रष्ट और कमीने लोग जो समाज में इज्जतदार और शरीफ होने के आड़ में घिनौनी हरकत करते हैं, उन्हें सजाए मौत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट मिलोर। मिलोर, किसी औरत पर या किसी लड़की के साथ उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसकी सहमति के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध को बलात्कार कहते हैं, ना कि उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसकी सहमति के संबंध को। और जहां तक मिस शीला का सवाल है, इनके साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है इनकी मर्जी से, इनकी इच्छा से, इनकी सहमति से हुआ है। और मिलोर, मैं इसे एक पेशा कहता हूँ, पेशावृत्त मानता हूँ, प्रोस्टिट्यूट तक कहता हूँ, और यह है प्रोस्टिट्यूट। ये झूठ है। तो सच क्या है?
सच ये है योर ऑनर कि पहले मिस्टर राजू ने इस लड़की के साथ ऐसा रिश्ता बनाई था और फिर इस रिश्ते की आड़ में इसकी मदद करने के बहाने वो इसे अपने गेस्ट हाउस ले गया। वहां इस लड़की को नशीली दवाई कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला दी और जब मिस शीला को नशा आ गया तो इसके साथ बलात्कार किया, इसकी अश्लील तस्वीरें खींची। वो तस्वीरें इसे दिखाकर इसे धमकाया गया कि अगर ये इसकी बात नहीं मानेगी तो इसकी तस्वीरें शहर की हर दीवार पर पोस्टर बनाकर चिपका दी जाएंगी। अपनी इज्जत और परिवार का ख्याल करके शीला चुप रही, लगातार उसकी बात मानती रही। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता उसे नजर आया और वो था आत्महत्या। और जब इसने आत्महत्या करने की कोशिश की तब उसकी बहन दुर्गा ने आकर उसे बचा लिया। तब जाकर ये राज खुला और ये शरीफ और इज्जतदार कहलाने वाले लोग इस कटघरे तक पहुंच गए। पर नहीं, केस भी और बलात्कार मामलों की तरह मिस शीला की आत्महत्या पर खत्म हो जाता। क्या वो अश्लील तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं? इस केस के एफआईआर के बाद जब इंस्पेक्टर विक्रम ने वहाँ छापा मारा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो फिर इसके पास क्या है मिलोर? कोई सबूत नहीं, कोई गवाह? मिलोर, मैं चाहता हूँ मिलोर कि मिस शीला के बलात्कारियों को सजा मिले, लेकिन मिलोर मैं ये नहीं मानता कि कोई बेगुनाह फांसी के फंदे पर लटक जाए। इसलिए मिलोर, इस केस के पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए मैं मिस शीला से चंद सवाल करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलोर। हाँ तो शीला, क्या राजू को आप कब से जानती है? कुछ दिनों से। आ? कुछ दिनों से। एक दो दिनों से? एक दो हफ्तों से। कहाँ मिला था आपको? रास्ते पर। रास्ते में आप क्या कर रही थी? ऑटो का इंतजार कर रही थी। चलो मान लेते हैं मिस शीला आप ऑटो का इंतजार कर रही थी, फिर? मैं गेस्ट हाउस गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, आप पैसों के लिए गेस्ट हाउस चले गई, वो भी एक अनजान आदमी के साथ? अच्छा अच्छा, मान लेते हैं कि आपने उसको अपना भाई बना लिया होगा, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि आपके साथ बलात्कार हुआ? क्योंकि मैं बेहोश थी, जब मुझे होश आया तो उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। अच्छा, मेरा मतलब जो कुछ भी हुआ वो बेहोशी की हालत में हुआ? जी। कैसे कैसे? जब मुझे होश आया तो मैं लुट चुकी थी। कैसे कैसे लुट चुकी थी आप? क्योंकि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। एक भी कपड़ा नहीं था या कहीं कुछ कुछ कोई कपड़ा था? मिस शीला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके शरीर पर एक आध कपड़ा था या कोई कपड़ा नहीं था? मिस शीला, रोइए मत और अदालत को जवाब दीजिए कि आप पूरी तरह से वस्त्रहीन थी। ये कैसा कानून है, ये कैसी अदालत है जहाँ औरतों को 20 कमरे में नहीं 20 महफिल में औरतों का बलात्कार किया जाता है? जज साहब, अगर आप सचमुच इंसाफ करना चाहते हैं तो इस कानून की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दीजिए ताकि इसे पता चले इसके दरवाजे पे औरतों के साथ क्या क्या जुर्म। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने जो इल्जाम शीला पर लगाने थे लगा चुके। शीला का अपराध सिर्फ यही है कि वो उस इंसान के मंसूबे को नहीं पहचान पाई। ये सच है कि ये अपनी मर्जी से वहां गई थी, लेकिन ये भी सच है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। और जज साहब, अफसोस कि मैं कुछ गवाह और सबूत नहीं पेश कर पाई, लेकिन सर, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत जब भी होती है बंद कमरे में होती है। समाज और दुनिया की नजरों से बचकर ही अपराध किया जाता है। ऐसे में कौन गवाही है, कहां से सबूत लाएं? मेरे काबिल दोस्त को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हर वकील को कभी कभी अपने पेशे से ऊपर उठकर अपने सवालों को साथ में रखकर इंसानियत के नाते भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि बलात्कार पीड़ितों को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। ये एक ऐसा केस है सर जिसका ताल्लुक एक लड़की की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। इस अदालत में जलील होने से पहले शीला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि उसे कितना बड़ा सदमा पहुंचा था। क्या शीला इस अदालत में हुए सवालों को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या इस तरह की जिरह के बाद कोई भी बलात्कार से पीड़ित औरत या लड़की इंसाफ के लिए अदालत में आना चाहिए? मैं भी एक औरत हूं जज साहब, इसलिए कह रही हूं नहीं आएगी। आज आप जो भी फैसला देने वाले हैं मुझे मालूम है सर, लेकिन आज इस अदालत में केस मैं नहीं हारूंगी, शीला नहीं हारेगी,
ये पूरी की पूरी औरतों की हार होगी जज साहब। हर माँ की हार होगी, हर बहन की हार होगी, हर पत्नी की हार होगी, ये हमारे पूरे समाज की हार होगी जज साहब। हर माँ की हार होगी, हर बहन की हार होगी, हर पत्नी की हार होगी, ये हमारे पूरे समाज की हार होगी जज साहब। पूरे समाज की हार होगी। मिलोर, अभी तक इस अदालत में कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा गवाह पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि मिस्टर तलरेजा, मिस्टर राजू और हमारे समाज सेवक अहिंसा के पुजारी नेता नारायण जी ने बलात्कार किया। इसलिए मिलोर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इन सब सज्जनों को बाइज्जत बरी किया जाए और इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा भविष्य में कोई भी कौलगल इज्जतदार लोगों के दामन में दाग न लगा सके। ऑर्डर, ऑर्डर। इस केस के सारे पहलुओं को देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस शीला की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे मुलजिमों पर लगाया गया जुर्म साबित हो, इसलिए ये अदालत इन तीनों को बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। और जो कि शीला ने अपने आप को बचाने के लिए ये नादानी की, इसलिए ये अदालत इस जुर्म को पहली और आखिरी गलती मानकर आगाह करती है कि इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाकर किसी की इज्जत पर कीचड़ ना उछाले और अदालत का कीमती वक्त जाया ना करे। राइट, ठीक है, मैं भेजता हूं सर। ओके, हाँ ये लीजिए सर। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? लेकिन क्यों? क्या फायदा सर, क्या फायदा ऐसी पुलिस की वर्दी का जो अपराधी को अपराध की सजा न दिलवा सके, और क्या फायदा ऐसे कानून का कि अपराधी अपराध करके भी सबूत और गवाह के बल बूते पर छूट जाए। सर कैसी बातें करते हो दीपक, क्या तुम ये नहीं सोचते कि शीला ने भी जुल्म किया है और जुल्म सहना उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि जुल्म करना। आपकी बात सही है सर, लेकिन ना जाने क्यों मैं अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा हूं। सर जब पुलिस गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा न दिलवा सके तो क्या हक है, क्या हक है मैं ऐसी वर्दी पहनने का? सर ये तुम्हारा वहम है दीपक, जितना दोषी तुम अपने आप को समझ रहे हो ना उतना ही दोषी यह समाज है और इस समाज में रहने वाले। अब तुम ही बताओ, अगर दिया भगवान की मूर्ति के पीछे जलाया जाए तो भगवान को रोशनी मिलेगी, इसमें कसूर किसका है, भगवान का या दिया जलाने वाले का? कानून, पुलिस और अदालत हमारी जनता की सुरक्षा और फर्ज के लिए बनाए गए हैं। इस समाज के लोग इनसे ही खौफ खा रहे हैं। इंसाफ के लिए जरूरत ऐसे अपराधी के खिलाफ एकजुट होने की है। तुम्हें यह सोच बदलना होगा, उनके अंदर की जागरूकता लानी होगी, उनके अंदर पुलिस और अदालत का खौफ हटाना होगा। और मैं जानता हूं कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम समाज के लिए एक नई रोशनी बनोगे। आपने मेरी आंखें खोल दी सर, पुलिस की वर्दी पहनकर भी मैं वैसे ही सोचता था जैसे एक आम नागरिक सोचता है, लेकिन आपसे वादा करता हूं ना ही मैं सिर्फ अपनी सोच बदलूंगा, उन तमाम लोगों की सोच भी बदल दूंगा मैं सर। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। पर डॉक्टर साहब 8 घंटे हो गए, इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या ऐसे? आई एम सॉरी मैडम, अब सच्चाई ये है कि इनका होश में आना बहुत मुश्किल है। शी इज इन कोमा। ये कोमा में नहीं हो सकती। विक्रम, तुम डॉक्टर साहब से कहो ना एक बार इसे और चेक कर ले। शीला कोमा में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आदाब, मुझे सलीम गोली कहते हैं। क्या मैडम थोड़ा काम रिस्की है, कैसा चाहिए आपको? मेरा मतलब है मैडम कि किस काम के लिए चाहिए? क्या है ना, लोग शिकार के लिए भी ले जाते हैं कुछ लोग,
अलग अलग कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपको किस काम के लिए चाहिए? मुझे भी शिकार करना है आदमखोरों का। क्या बात करते हैं मैडम, भला शहर में भेड़िए कहाँ मिलते हैं। तुम अपने काम से काम रखो। ठीक है, ये देखिए, ये विदेशी है, इंपोर्टेड। बहुत बढ़िया चीज है मैडम, कोई टेंशन नहीं, अच्छा निशान। ये अमेरिकन मॉडल है, इंग्लिश फिल्म में आपने काफी देखा होगा इसे। आवाज थोड़ी कम है, क्या ना साइलेंसर लगा हुआ है। ये देखिए मैडम, ये भी इंपोर्टेड है, मेड इन जापान। इसका इस्तेमाल कुछ लोग ज्यादा करते हैं, क्या ना बहुत अच्छी चीज है। और ये है सबसे अच्छी चीज, बहुत प्यारी चीज है मैडम, सबसे बढ़िया। अंदर साइलेंसर भी है, इसके नाल फटने का कोई डर नहीं, और आप 20 फीट की दूरी से भी निशाना लगा सकती हैं। फिर तो मुझे यही चाहिए। और गोलियां? दरअसल मैडम, गोलियां मैं आप जितनी चाहो उतनी दे दूंगा, लेकिन क्या ये पीस कुछ महंगा है? बिल्कुल वाजिब दाम लगाया आपने, लीजिए। इसके अंदर 6 गोलियां हैं, और 6 गोलियां मैं आपको मेरी तरफ से देता हूं। चिंता ना कर मेरी बहन, कानून की आंखें नहीं है, वो अंधा है, लेकिन तेरी बहन अंधी नहीं। तेरे साथ हुए जुल्म का बदला मैं जरूर लूंगी, मैं जरूर लूंगी। उन कमीनों को छोड़ूंगी नहीं जिंदा, मैं जरूर लूंगी बदला, जरूर लूंगी।
कमाल की चीज है, इसका शिकार करना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। राजू तेरा काम तो बन गया। कुछ नहीं, कौन से गांव में रहती हैं आप? साहब स्टेशन छोड़ दो ना। बहन जी, कौन सा स्टेशन में? गांव जाना है साहब। वो लोग मेरे साथ आए थे, वो लोग बस में चढ़कर चले गए और मैं यहीं रह गई। वो लोग वहाँ परेशान होंगे और मैं यहाँ परेशान हूँ। बहन जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा, मुझे भरोसा रखिए। अंग्रेजी शराब पीने वाले को अगर देसी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। राजू, आखिर तेरा शिकार मिल ही गया। कुछ कहा आपने? नहीं बहन जी, आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठ जाइए, आइए आइए आइए, बैठिए। गाँव में क्या करती हैं आप? गाँव में क्या करेगी, घर का काम करती हूँ, गाय भैंस चराती हूँ और खेत से सब्जी तोड़ के लाती हूँ, बस साहब। वाह 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 वाह। साहब, ये क्या है? ये हा? ये इतना अच्छा स्टीयरिंग है और ये गियर है और ये फोन है। साहब, मेरे को स्टेशन छोड़ देना। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। वाह, ये ले, निकल पड़ी। आओ बेंजी, आओ, ये मेरा घर है। साहब, ये क्या है? ये फोटो निकालने का मशीन है। निकालो ना। क्या फोटो? और ये क्या है? ये तो वीडियो कैमरा है, इसमें कैसेट पड़ता है। ये लेंगे, देखो देखो देखो। मेरी भी निकालो ना। मैं निकालूंगा, पहले तुम्हें ठंडा पिलाता हूँ। हाँ। तब तो तुम ये वीडियो देखो। ओके, क्या चीज खुदा हो गई है, तू देर मत कर, जल्दी से ठंडा निकाल। ये ठंडा पिलाऊंगा। राजू, तेरी किस्मत खुल गई रे। ये ठंडा पी लीजिए, फिर मैं आपका फंटास्टिक फोटो निकालूंगा। साहब, दरवाजा बंद कर दो ना। हाँ, दरवाजा बंद कर दूँ। तेरी किस्मत खुल गई राजू, ये तो बहुत भोली पाली है, इसकी मस्त जवानी को कैमरे में कैच कर लूंगा तो दुनिया पागल हो जाएगी। ये कोल्ड ड्रिंक आप पीजिए साहब। नहीं नहीं नहीं, मुझे जुकाम की तकलीफ है, इसलिए मैं ठंडा नहीं पीता बहन जी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर लड़की को पिलाते, इसलिए नहीं पियोगे साहब? क्या कह रही हो तुम? हाँ कमीने, मैं दुर्गा हूँ। दुर्गा, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। अच्छा, तू चुपचाप एक कोल्ड ड्रिंक पी। दुर्गा, मुझे जुकाम की तकलीफ है। पी, तू मुझे मानना नहीं, मैं कभी तुम्हारी कसर नहीं उतारूंगा। हाँ, पी। बिताओ, बिताओ। कमीने,
आपके साथ मिलने कभी नहीं। लड़कियों को बहला फिर तू ही लाता है ना? लेकिन हा? लेकिन उनके कहने पर बता कौन लोग हैं वो? वो उनका उनका नाम बताऊंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं बताएगा तो मैं तो चुपा जाऊंगी। पता दुर्गा पता था पता था इंस्पेक्टर दिवाकर और मंत्री नारायण और बस मेरा शक ठीक ही निकला। मैं तो आगे चली जाऊंगी पर तू नहीं बच पाएगा कमीने। तेरा खेल खत्म। दुर्गा का है निशान। जी सर। फोटोग्राफर को बुलवाकर फोटो खिंचवा लो। यस सर। एम्बुलेंस को बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी। दुर्गा अरे विक्रम, तुमने ये चूड़ियां दी थी, अपने हाथ से पहना दो ना। पहना दो। कोई और है। मजा आ रही है ना? एकदम सारा पिक्चर अच्छा है। बहुत मजा आ रही है। रोको रोको, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या देख रहे हैं आप? क्यों भाई इतनी रात को कहां से आ रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, हम लाश शो सिनेमा देखने गए थे। तो चुप कर लड़के, ये क्या बदतमीजी है? और ऐसे इस तरह बात की जाती है? अरे इंस्पेक्टर को तमीज सिखाएगा हैं? क्या लगती है ये तेरी? इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मत मारिए इन्हें। अच्छा बदमाश, झूठ बोलता मेरे से। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे पति है और ये मेरी बच्ची। ये डंडा बताएगा सच क्या है। क्या चक्कर है तुम दोनों में जी? अबे झूठ नहीं, सच बोल, बोल। देखिए मेरे पति हैं। अच्छा ये तेरा पति है? पति यकीन कीजिए मेरा, ये मेरे पति हैं और ये मेरी बच्ची। तेरी बच्ची है और ये पति? चल छोड़ दिया, अब तू ये काम कर, इस बच्ची को संभाल। क्या क्या है? तूने कितनी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की है कमीने? तूने वर्दी पहन के इतने गलत काम किए हैं कि ये काम तो गुंडा भी नहीं करेगा। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है कमीने, कुत्ते। देखो तुमने अब मेरी आंखें खोल दी। मैं इस वर्दी की कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। अपनी गंदी जुबान से मुझे बहन ना कह। तू तो वो गिरा हुआ इंसान है जिसे अपनी पैदा करने वाली माँ भी माफ नहीं करेगी। तुझे माफी नहीं, मौत मिलेगी। गोली के तीन निशान हैं। लगता है गोली क्लोज रेंज चलाई गई है। एम्बुलेंस को बुलाओ
और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। राजू और इंस्पेक्टर द्वाकर के शरीर से जो गोलियां निकली हैं वो एक ही रिवॉल्वर की है, इसका मतलब है दोनों का कातिल एक ही है। और इंस्पेक्टर दिवाकर के पास जो पेपर मिला वैसा ही पेपर राजू की लाश के पास मिला, राइट? राइट। आपके कहने के मुताबिक हो सकता है कातिल एक ही हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सर, कि क्रिमिनल का खून और एक पुलिस ऑफिसर का खून एक ही आदमी क्यों करेगा? हो सकता है इंस्पेक्टर दिवाकर ने राजू के कातिल को पहचान लिया हो सकता है। अगर ऐसा है तो यह कातिल कौन है उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वरना हर रोज एक खून होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जब से मोबाइल वहां आ गया है बहुत तकलीफ हो गई है रे। आप बस टेंडर पास कर दीजिए, आई लव यू बाय, और हम सोना भेज देते हैं। सोना? अरे काहे सोने की बात कर रहे हो, हमें सोना नहीं ना चाहिए, हमें तो वो ना चाहिए। अरे मंत्री जी अभी भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, जरा इंतजार कीजिए। अरे तुम? जब मौत आती है तो हजार दरवाजे तोड़ कर आती है, और तेरे यहाँ तो सिर्फ दो ही दरवाजे हैं। क्या चाहती तुम? तेरी मौत। देखो प्लीज प्लीज मुझे मत मानो, अब मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं और जीना चाहता हूँ। तू और जी के क्या करेगा कमीने, आज तक तूने कितने पाप किए हैं, उसे तेरा जी नहीं भरा? पैसा कमाने की हवस में तू बिंद्र से भरवा बन गया है, तूने मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके तू टेंडर पास करवाता है? ये इल्जाम गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैडम। मैंने सारी बातें सुन ली है, मेरी मासूम सी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वालों में तेरा भी नाम है। देखिए ये सब राजू ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। राजू तो तेरे और मंत्री के हाथों की कठपुतली था, उसके लिए सजा उसे मिल चुकी है, अब तेरी बारी है। इसका मतलब राजू और दिवाकर को तुमने? रामजादे हाँ, इस कड़ी में अब तेरा भी नाम जुड़ेगा। मुझे मत मारी प्लीज, प्लीज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, और मैं क्या कर रहा है कमीने, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं, तेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि तू भगवान से माफी मांग सके, कर ले अपने भगवान को याद। बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ यार, उस मुजरिम ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, एक नहीं दो नहीं तीन 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 खून, वो भी एक ही तरह से, मुझे लगता है तीनों खूनों की कड़ी तो एक ही है। खैर ज्यादा दिनों तक वो बच नहीं सकता। तुम्हें पक्का यकीन है कि कातिल पकड़ा जाएगा? डेफिनेटली, कानून और पुलिस से मुजरिम कुछ दिनों तक छुप जरूर सकता है, ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। इस कड़ी का जरा सा भी सुराग मेरे हाथों में लगा नहीं कि उस मुजरिम के हाथों में हथकड़ी होगी। मुजरिम को तो हथकड़ी लगाओ, लेकिन लेकिन क्या? मेरा हाथ इस तरह मत पकड़ो। I'm sorry, मैंने उसी लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, लेकिन इन सब झमेलों में भूल गया मैं। खैर माँ माँ की चिट्ठी आई थी, वो काफी परेशान है, माँ और बाबूजी के बारे में पढ़ा तुम्हारे, वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द एक हो जाए, ताकि तुम भी अपने आप को अकेला न समझो। पहले कातिल को तो पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि, मेरा कहने का मतलब है कि
शादी तो तुम कर लोगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस मुजरिम पर लगा रहेगा और फिर तुम अपने आप को मेरा मुजरिम कहोगे। You are right. सही कह रही हो तुम। कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर मुझे उसे गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। राम राम इंस्पेक्टर साहब जी। अरे राम राम कपूरचंद जी, 100 साल की उम्र है आपकी, मैं अभी आप ही के पास आ रहा था। मारे पास? हाँ जी। कहीं कोई गुस्ताखी हो गई के? गुस्ताखी आपसे नहीं, मुझसे होने वाली है, नहीं समझे? नहीं जी। अरे कपूरचंद जी, मैं वो शादी करने जा रहा हूँ, इसीलिए आज आपके पास आया था। वो मंगलसूत्र कंगन बनवाने हो दुर्गा के लिए? लेकिन भाया, दुर्गा जी ने तो मन्ने ऐसे कोई बात नहीं बताई। हेलो, दुर्गा कहाँ मिल गई आपको? हमारी दुकान पे, वो जो साहब जी आपने कंगन बनवाने दिए थे ना उसको, उसके जैसा एक और कंगन बनवाने आई थी। सब है जी, 2 दिन हो गए जी। आपके बारे में पूछा तो बोले कि साहब बिजी है। सोच रहे भाया? नहीं कुछ नहीं, आप आप जाइए, मैं मिलता हूँ आपको। मारी दुकान तो आपकी अपनी है, जब जी चाहे चले आना। राम राम जी, राम राम। माय डियर विक्रम, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे कानून की मुजरिम हूँ और तुम्हारी भी। मुझे मालूम नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तुम्हारे कानून के लिए मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मेरी नजर में कानून मेरा मुजरिम है। जो फैसला कानून न कर सका वो मैंने कर लिया। आज मैं चौथा और आखिरी खून करने जा रही हूँ, कमीने मंत्री को खत्म करने, और उसके साथ ही मैं अपने आप को भी खत्म कर लूंगी, क्योंकि मैं उस अदालत में नहीं जाना चाहती जहाँ इंसान को इंसाफ नहीं मिलता। तुम्हारी दुर्गा। Thank you.
सूरज जरूर निकलेगा मंत्री, लेकिन दिन तेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस पर गोली मत चलाना, तनिक हमको कुछ हो गया तो इस शहर का क्या होगा? अरे तो जैसे पापे से शहर साफ हो जाएगा और ये धरती पवित्र हो जाएगी। तेरे तीन साथियों को तो मैं खत्म कर चुकी हूँ, अब तेरी बारी है मंत्री। दुर्गा ये क्या कर रही हो? दुर्गा रुक जाओ। नहीं मुझे छोड़ दो, ये वही जिसने मेरे घर को बर्बाद किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी नहीं करूंगी दुर्गा, रुक जाओ। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती दुर्गा। मैं वादा करता हूँ कि इसे सजा मैं दिलवाऊंगा। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा दुर्गा, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, आई प्रॉमिस। ला बंदूक मुझे दे दो। निशा अगर हर नागरिक कानून को खुद अपने हाथ में लेकर गुनहगारों को खुद सजा देने लगे तो इस देश का क्या होगा? निशा नहीं, हो सकता है कि इसमें मुजरिम तो मर जाए, मुजरिम खत्म हो जाए, लेकिन गुनाह जुर्म वो खत्म नहीं होगा निशा, वो और बढ़ेगा। मुझे तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी मिली, मुझे ये भी मालूम है कि वो तीनों खून तुम्ही ने किए निशा, क्या ये सही है? मैं जानता हूं ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो गुनहगार है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं निशा कि कानून को तुम अपने हाथ में लेकर खुद इसको सजा दो, क्या ये ठीक है? नो निशा, इट इज रॉन्ग। मैं तुम्हें भरोसा देता हूं, आई प्रॉमिस यू निशा, इस कमीने को इसके किए की सजा मैं दिलवाऊंगा, मैं खुद इसको सजा दूंगा निशा, आई प्रॉमिस यू। कानून को उसका काम करने दो, तुम बीच मत पड़ो। इंस्पेक्टर साहब तुम वाकई में बहुत बहादुर हो, अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो ये सुश्री तुमको रुका देती, पर तुमने अपनी जान बचाकर हम पर नहीं बल्कि पूरे शहर पर एहसान किया हो। हम तुम्हारा प्रमोशन कराऊंगा, हम तुमको बड़ा अफसर बनाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे क्या बनाता है। चलो दुर्गा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस मिलोर्ड, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इसी अदालत में मिस शीला ने, जो कि मुलजिमा की बहन थी, बिल्डल तरेजा, मिस्टर राजू और हमारे समाज सेवक नारायण पर बलात्कार का गलत आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उसका सबूत ना मिलने की वजह से अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन मिस दुर्गा दिखने में बहुत भोली और मासूम है, अदालत के खिलाफ अपना फैसला करना शुरू कर दिया और मिस्टर तलरेजा, मिस्टर राजू, इंस्पेक्टर दिवाकर की हत्या कर दी, जबकि मिस्टर दिवाकर का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। मिलोर्ड, उसके बाद मिस दुर्गा नेताजी का खून करने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन रंगे हाथों मिस्टर विक्रम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मिलोर्ड, अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसी खतरनाक मुजरिमा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि मिलोर्ड अगर लोग अपना फैसला देना शुरू कर देंगे तो अदालत का क्या होगा? मिलोर्ड दैट्स ऑल। मिस दुर्गा, क्या आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? योर ऑनर, अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं इस कमीने को ना मार सकी। ये इसलिए बचा कि इंस्पेक्टर विक्रम ने मुझसे कहा था इसे सजा अदालत देगी। योर ऑनर, मैं अदालत से यह गुजारिश करती हूँ कि इसे सजाए मौत मिले, उसके बाद आप मुझे जो सजा देंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। मिलोर्ड, एक मुजरिमा का अदालत से इस तरह गुजारिश करना अदालत का अपमान है। योर ऑनर, अदालत का अपमान तो तब होगा जब खून और कत्ल करने के बाद मुलजिमा उसे कबूल नहीं करती, झूठे गवाह और सबूत पेश करती, लेकिन दुर्गा ने ऐसा नहीं किया, उसने वही कहा जो सच है। अदालत के पिछले फैसले का असर मिस शीला के दिमाग पर ऐसा पड़ा कि वो अदालत के बाहर ही गिरकर बेहोश हो गई और कोमा में चली गई, आज तक कोमा में है। इसके माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ी। योर ऑनर, कानून दुर्गा को तो उसके किए की सजा दे ही देगा, लेकिन क्या मैं शीला को कोमा से वापस ला सकेगा? क्या उनके माँ बाप को वापस ला सकेगा? योर ऑनर, सच्चाई तो ये है कि हमारे कानून और इंसाफ की बुनियाद ही सबूत और गवाह के गलत बुनियाद पर है। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि पहले वो अपने फैसले की बुनियाद और आधार के बारे में सोचे, उसे बदले, वरना इंसाफ ना मिलने पर एक क्या सौ दुर्गा पैदा होगी। मिलोर्ड, वकील साहिबा कानून की वर्दी पहनकर कानून और अदालत पर उंगली उठा रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मिलोर्ड
कि दुर्गा की सजाए मौत के साथ साथ इनकी डिग्री भी जब्त कर ली जाए, ताकि कोई भी वकील बेबुनियाद केस लाकर अदालत का अपमान और उसका वक्त जाया ना करे। That's all. मिस दुर्गा ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। इसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कत्ल किए हैं। लिहाजा ये अदालत इसे मुजरिम करार देते हुए ताजिराते हिंद जेरे दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। थैंक यू। वकील साहब, देंगे देंगे, तनिक पार्टी तो देंगे। नमस्ते। अब तो जानता था। ससुर का नारी, देख लिया, ये है तुम्हारे कानून का इंसाफ। गिरफ्तार कर लो इसको। जज साहब, चाहे आपकी पुलिस मुझे गिरफ्तार करती या नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपकी पुलिस से गिरफ्तार हो जाती, क्योंकि कातिल मैं हूँ, कत्ल मैंने किए और सजा किसी बेकसूर को मिले। ये क्या कह रही हो तुम? जो आप सुन रहे हैं, जिन लोगों के कत्ल के इल्जाम में आपने मेरी बहन दुर्गा को सजाए मौत सुनाई है, वो तीन कत्ल मैंने ही किए हैं। जज साहब, जब मैं कोमा में थी, उसके दूसरे दिन मुझे होश आ गया था और मैंने उन कमीनों से बदला लेने के लिए बेहोशी का ड्रामा किया था, और मैंने देखा मेरी बहन दुर्गा पिस्ता लेके मेरे तकिए के नीचे रख कर गई, और मैंने उसकी असली गोली निकाल कर नकली गोली भर दी, क्योंकि जुर्म मेरे साथ हुआ था और सजा भी मैं उनको दूंगी। जिस रात राजू का कत्ल हुआ, उसी रात मैंने देखा कि वो कमीना इंस्पेक्टर दिवाकर अपनी वर्दी की ताकत के बल पर एक औरत की इज्जत लूटना चाहता था, और फिर उस कमीने तलरेजा का, जिसने मेरी बहन को लाने की मुझसे बात की। निशा को हिरासत में रहना होगा। इसे तब तक हिरासत में रहना होगा जब तक इसका जुर्म साबित ना हो जाए। इसे गिरफ्तार कर लो।